हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम DSSSB PRT के एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है 2021-22 का जो उसका एडिशन है उसका रिव्यू करेंगे। इसमें 2019, 2018 और 2013 की प्रीवियस ईयर PRT की एग्ज़ामों का क्वेश्चंस शामिल हैं। 395 इसमें मूल्यांकित हैं, तो आपको 300 रुपये के समथिंग में मिल जाएगी। इसके विषय सूची में इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी और पाठ्यक्रम दिया हुआ है इन्होंने, और यहाँ से पेपर स्टार्ट है। पहला पेपर है 30 अगस्त का, 11 नवंबर का पेपर है 2018 का, और क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसका आंसर और फिर एक्सप्लेनेशन, जो कि यूथ कंपटीशन की बुक्स में आपको जनरली देखने को मिल जाएगा। बढ़िया किताब है। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने जिस प्रकार से पेपर में आता है वैसे ही दिया हुआ है। सबसे पहले सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तार्किक विधि यानी रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें आपके PRT में, 20 क्वेश्चन पहले रीजनिंग के हो गए हैं। इसके बाद इन्होंने सामान्य जानकारी यानी कि GK दिया हुआ है। GK के 20 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है पूरा, 40 क्वेश्चन तक हो गए। फिर मैथ्स दी हुई है, मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं इन्होंने, मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं। यहाँ तक 60 क्वेश्चन तक मैथ्स आ गए। फिर इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन है, जो कि खासियत है यूथ कंपटीशन की बुक्स की। जैसे कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ मेटाफिजिक्स, तो इसका डिक ऑन्टोलॉजी चाहिए, तो इससे रिलेटेड जो शब्द हैं वो भी इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। जो ऑप्शन है उन 4 ऑप्शन को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर यहाँ पर हिंदी आ जाएगी, हिंदी के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे कि PRT का सिलेबस है कि 100 क्वेश्चन आपके जनरल पेपर के आते हैं, मैथ्स रीजनिंग GK हिंदी और इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन आते हैं आपके पेडागोजी, तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पेडागोजी का सेक्शन। इसके 100 क्वेश्चन है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने पेडागोजी को भी। तो यहाँ तक पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, ये 200 क्वेश्चन हो गए। एक पेपर कंप्लीट होता है, फिर से नेक्स्ट पेपर में वही रीजनिंग स्टार्टिंग में ही, फिर उसके बाद आपको मिल जाएगी रीजनिंग के बाद आपको GK मिल जाएगा, फिर मैथ्स मिल जाएगी, फिर आपको इंग्लिश मिल जाएगी, इंग्लिश के बाद हिंदी मिल जाएगी, और हिंदी के बाद आपका पेडागोजी का सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ ये प्रश्न का सेट से ये पेपर वाइज दिया हुआ। यदि यही है टॉपिक वाइज निकालें तो और बेहतर साबित हो सकता है। धन्यवाद, शुक्रिया।